देखिए, ये मुद्दा तो है ही जिसकी वजह से सब इकट्ठे हुए हैं, लेकिन और जो कि सीरीज़ होती आई हैं जैसा कि अशोक ने बोला, लेकिन हम इसके थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। ये जो सिग्नल है ना, ये बार बार एक सिग्नल पूरी सोसाइटी को दिया जा रहा है कि कुछ टाइम के बाद छोटे छोटे समुदाय हर चीज़ में आपको बताएंगे, हर किसी को बताएंगे कि आप और आपके बच्चे क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या कपड़े पहनेंगे, क्या पढ़ेंगे, किससे शादी करेंगे, आपकी हर चीज़ कोई और तय करेगा, आपको बताएगा कि कौन सा त्यौहार मनाना है और कैसे मनाना है। और इसमें कोई भी तरीका ढूंढा जा सकता है कि हर एक गुट खड़ा हो सकता है और आपसे कह सकता है कि नहीं, इस पर मुझे आपत्ति है, और आपको जीना सिखाया जाएगा अलग अलग गुटों के द्वारा। तो आप बाएं जाएंगे तब भी मरेंगे, दाएं जाएंगे तब भी मरेंगे, आगे जाएंगे और पीछे जाएंगे तब भी, आपको कुछ नहीं करने दिया जाएगा। सब लोग अपनी अपनी रोटी सेकेंगे और आपसे ये बताएंगे कि आपको क्या करना है, और आपको सिर्फ कहेंगे कि नहीं ऐसा करना चाहिए, वो आपको बल्कि ऑर्डर देंगे कि इस तरह से जिए। तो यही एक स्टेज है जहाँ पर हम लोग अगर खड़े हो सकते हैं, और मैं किसी एक साइड की बात नहीं कर रहा, मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि कोई एक तत्व, जैसे वो किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि सभी पक्षों ने मर्यादा को तोड़ा है, पांडवों ने कुछ कम और कौरवों ने कुछ ज़्यादा, ये रक्तपात कब समाप्त होगा। और ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आप खड़े, सबको बताया जाएगा, डिक्टेट किया जाएगा कि आप इस तरह से खाएं, ये कपड़ा पहने, ये लड़की इस पब में इस तरह से गई है, और ये इंसान ने इस तरह से ये वाला फलां त्यौहार मनाया है जो हमारा नहीं है, दूसरा कहेगा हमारा नहीं है, तुमने इस तरह से किया है, और इस दिन अगर ये चीज़ आप मना कर रहे हैं तो ये हमारे इसके खिलाफ़ है, वो उसके खिलाफ़ है। इस तरह 100 बहाने ढूंढे जा सकते हैं, हम सब लोगों का जीना हराम हो सकता है, सिर्फ ये इस जगह तक नहीं है ये। थैंक यू सो मच। देखिए, डर तो इंसान का है ना, उसमें इससे हमें जो डरा रहा है उसके बारे में बात करेंगे कि आप कहें कि घर में ताला क्यों लगा रहे हो आप, है ना, घर की अंदर से चिटकनी क्यों लगा रहे हो, वो अब डर का माहौल होगा तो तभी डर रहे होंगे ना, आप कह रही हैं, है ना, मैं तो यहाँ आके खड़ा हूँ ना। तो सिर्फ सवाल ये है कि आज अगर हम नहीं खड़े होंगे तो आज आप किस तरह के कपड़े पहन के आई हैं, हो सकता है कोई इस पे भी आके आपको टिप्पणी कर दे, आपने कौन सा, आपने ये लिपस्टिक क्यों लगाई है, ये हमारा हिस्सा नहीं है। दूसरा मतलब कोई और खड़ा होकर ये कह सकता है कि आपकी लिपस्टिक या नेल पॉलिश का रंग ऐसा क्यों है। धीरे धीरे बात इस पे आने वाली है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, सुबह से शाम तक आप कैसे जिए, आप क्या खाएं, आप कैसे उठे बैठे, किससे शादी करें, कौन सा त्यौहार मनाएं, कौन सी भाषा बोलें, इस लेवल पे हम आ जाने वाले हैं। उससे पहले ही अगर हम सब खड़े होकर आवाज़ उठा सकते हैं, बोल सकते हैं, एक अच्छी सोसाइटी में खड़े हो सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। एंड थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, आप आए यहाँ पर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।